कि एक्सेस रेजेंट निकालना टेढ़ी खीर है भैया, है सच में। एक्सेस रेजेंट कौन है ये तो पता आराम से कर लोगे, कितना बच गया ना वो पता करना डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी ऐसे कैलकुलेशंस के अंदर जब सब कुछ मास में चल रहा हो। बच्चों ये मास में है ये, और ये वैल्यू देखो कितना गंदी वैल्यू दे रखी है, डिवाइड करके भी आ जाएगा, गेम खराब हो जाता है, बट करना पड़ता है एक दो बार। यस हाय एवरीवन, दिस इज सुमित कटारिया, आपका स्वागत करता हूं मैं इस नीट विद यूट्यूब चैनल पे, विच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एस्पिरेंट। तो बच्चों एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि लास्ट 15 ईयर्स में आ चुके हैं आपके नीट एग्जाम्स के अंदर। टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है सारे करवा दिए जाएंगे आपको। इसका फायदा क्या रहेगा भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम को देखते हैं, स्पेशली अगर आप नीट 2024 की बात करेंगे, तो इस पेपर के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री में रिपीट हुए थे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है इस बात पे तो कोई दो राय वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनका सोल्यूशन डिटेल मैनर में अगर आपको पता है तो बहुत फायदा आपको अपकमिंग एग्जाम में रहेगा हमेशा। तो आज हम शुरुआत करें केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक 1, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये जो मोल कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में इसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाया जाता है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है? तो आज मैं इसकी बात करने वाला हूं, और इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियोस आते चले जाएंगे। अब इन वीडियोस को इस्तेमाल कैसे करना है आपको, तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। सपोज बच्चों आपने पढ़ा, आपने बेटा मोल कॉन्सेप्ट दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने, किसी से पढ़ लिया बेटा आपने, सोर्स कोई भी हो सकता है आपका, आपने क्लास लगा ली, टॉपिक खत्म कर लिया आपने। सबसे पहला काम होता है क्लास लगाने के बाद, चैप्टर होने के बाद सबसे पहला काम होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करना कि भाई जो मैंने पढ़ा है क्या उस पढ़ाई से मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो वो बेस्ट पैरामीटर है चेक करने का, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो किसी भी क्लासरूम की बात करें आप। अगर आप ये कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से कर पा रहे बच्चों, तो आपका कॉन्टेंट में दम था और आप बहुत बेहतरीन एग्जाम में ऑब्वियसली करेंगे। सेकेंड पॉइंट रहेगा बच्चों की पीवाई, क्योंकि आपको सोल्यूशन पता होने चाहिए कि हर क्वेश्चन का बेटा आपको डिटेल मैनर में सोल्यूशन पता होना चाहिए, बिकॉज उन्हीं क्वेश्चन से नए क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस इसका आंसर बी है सर, इसका आंसर सी है सर, नहीं बेटा आंसर बी आया तो सी क्यों नहीं आया अपने पास। लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू आपको बेटा टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ना रहेगा, और बस यही काम आपको करना है हर एक चैप्टर के लिए, तो आपके बेटा चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक वो पूरा सेगमेंट तैयार होता चला जाएगा, और साल भर की जर्नी या 2 साल की जर्नी आपकी रहेगी तो आपको पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। तो आपको बेटा इस वीडियो को उसी प्रकार से देखना है कि भाई चैप्टर खत्म कर लिया मुझे, अब मैंने क्वेश्चंस पे लगा लिया, अब मुझे डाउट आ रहे हैं कि सर मुझे मोल कॉन्सेप्ट के सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर 6 क्वेश्चन नहीं आए सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। तो आप इसी वीडियो में आएंगे, वो 6 क्वेश्चन के सोल्यूशन जब मैं कराऊंगा देख लेंगे आप, किसी और क्वेश्चन में डाउट है वो भी चेक कर लेंगे आप। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा आपके लिए कि आपको इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ने वाला, जो कि सबसे मोस्ट रेलिवेंट सोर्स हमारी तैयारी का बच्चों। तो पढ़ना कैसे बता दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है? तो आज बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं वेटेज के बारे में कि सर इस चैप्टर में से नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट ईयर में। बेटा कम से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चंस इसका जो वेटेज है बच्चों इस चैप्टर का। नीट 2024 के अंदर भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2023 में 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो 2 से 3 सवाल मिनिमम 2 सवाल तो आप मान के चलेंगे कि आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने 2009 एपीएमटी का सवाल, पहला सवाल आपके लिए बच्चों। करना कैसे सवाल को, मैं सवाल सॉल्व करूंगा, आप ऑब्वियसली वीडियो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलने वाली है, तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा, वीडियो पोस्ट कर दी सर मैंने, सोल्यूशन कीजिएगा आप, ट्राई कीजिएगा आंसर निकालने के लिए, फिर आप वीडियो का सोल्यूशन को चेक कर लीजिएगा बच्चा। तो यही तरीका आपको हर वीडियो में लेके चलना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम क्या बच्चा अपने पास हाइड्रोजन गैस है, एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड बच्चों। तो कह रहे कि भाई अपने पास H2 गैस है और आपने O2 गैस को एक वेसल में फिल कर दिया और एक्सप्लोड कर दिया ताकि आप वहां से वाटर वेपर्स को या वाटर को फॉर्म कर सकें, ठीक है? आप यहां से बेटा वाटर को फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, वही पूछा आपसे कितना पानी प्रोड्यूस किया जाएगा, आंसर पूछा है मोल के अंदर कितने मोल होंगे बच्चा, अमाउंट निकाल लेंगे मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है सर? सबसे पहला काम होता है सर कि रिएक्शन को बैलेंस करना, H2O2H2 क्या हो जाएगा सर, यहां पे सर यहां पे अपने पास आ जाएगा हाफ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी हाफ, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कितनी है 1, इसकी हाफ इसकी 1 हो जाएगी। अब डाटा क्या दिया है सर, 10 ग्राम दिया है H2 गैस, 10 ग्राम दिया हुआ है सर डाटा में, सर ये दिया 64 ग्राम, मैं एकदम आराम से करवा रहा हूं ताकि हर बच्चा क्वेश्चन को बेटा समझ सके, क्लियर है? 10 ग्राम में क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे,
10 ग्राम गिवन मास है और H2 का मोलर मास 2 हो जाएगा सर। तो सर H2 के इनडायरेक्टली 5 मोल दिए हुए हैं, बोलो या सुनो। सिमिलरली सर मोल्स ऑफ O2 गैस निकालेंगे तो 64 ग्राम गिवन मास है, O2 का मोलर मास 32 ग्राम है, तो इनडायरेक्टली आपको 2 मोल दिए गए हैं सवाल के अंदर। सवाल के अंदर आपको इनडायरेक्टली 2 मोल्स दिए गए हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ठीक है सर, इसके 5 मोल, इसके 2 मोल, तो क्या आ जाएगा यहां पे, क्या आ जाएगा यहां पे, हमें तो मोल्स यूज करने हैं, तो सर इसके 2 मोल, इसके 5 मोल दिए गए सवाल में, इसके 2 मोल दिए गए हैं और इसके मोल्स पूछे गए हैं। सवाल अब क्लियर होगा आपको शायद। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहली बात तो चेक कर लेते हैं केस कौन सा बनेगा। केस मतलब अगर ये वाला केस बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला, तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस है या नहीं। कैसे चेक करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। देखो बड़े ध्यान से, एक H2 के लिए हाफ O2 इस्तेमाल हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। बच्चा स्टोइकोमेट्री के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर एक मोल H2 होता तो उसके लिए आधा मोल O2 खर्च होना चाहिए था। रिएक्शन का मतलब यह बच्चा कि अगर एक मोल H2 लिया होता तो आपको उसके लिए 0.5 मोल O2 गैस चाहिए होती अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। यह सुनो, पर मैंने सर लिया है 5 मोल, अगर मैंने 5 मोल लिया है तो जब एक के लिए हाफ हो जाएगा तो 5 के लिए हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 मोल। 2.5 मोल स्टोइकोमेट्री क्या बोलती है कि अगर एक H2 लिया होता तो उस एक H2 के लिए आपके पास हाफ O2 मतलब 0.5 O2 चाहिए होगा रिएक्शन को कैरी करने के लिए। तो अगर एक के लिए आधा चाहिए तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा, 2.5 चाहिए होगा सर, पर है तो 2 ही मोल। इसका मतलब अमाउंट कम है, रिक्वायरमेंट से कम अमाउंट है। चूंकि रिक्वायरमेंट से कम अमाउंट है तो O2 गैस क्या हो जाएगी, O2 गैस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये वाला काम आप सीखते हैं क्लासेस के अंदर, कैसे निकालते हैं, तरीके और भी बहुत सारे होते हैं। तो सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है और यही बताएगा मुझे कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पे लगा लीजिए मोल मोल एनालिसिस। स्टोइकोमेट्री क्या बोलती है, हाफ मोल से एक मोल पानी बनता है। स्टोइकोमेट्री बोलती है अगर हाफ मोल आपके पास O2 है, अगर हाफ मोल बेटा आपके पास O2 है तो उससे आपको मिलेगा एक मोल वाटर अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। मैंने कहा मेरे पास हाफ मोल नहीं है, मेरे पास 2 मोल है, तो अगर 2 मोल O2 रहेगा तो कितना बनेगा सर, 1 × 2 / 1/2, इतने मोल वाटर आपको मिल जाएंगे इस रिएक्शन के अंदर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक 4 मोल्स आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए आप, कितना आसान कितना प्यारा सवाल है बच्चों। सवाल है लिमिटिंग रिएजेंट का, दो केस बनते हैं। केस वन बनता है जहां पे दोनों रिएक्टेंट पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, दैट इज द रिएक्शन विल गो फॉर कंप्लीशन, कोई बचेगा नहीं। सेकंड केस बनता है जब कोई भी एक रिएक्टेंट की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहां पे एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट वाला कांसेप्ट आ जाता है। चलिए, तो ये सवाल उस पे बेसिस था। सवाल के लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इट इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। कैटेगराइज कर दी मैंने सवाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका इंतजार कर रहा था। यह सवाल अपने पास एपीएमटी 2010 का सवाल है, तो एक बार इसकी भी लैंग्वेज चेक कर लेते हैं किसमें सवाल का क्या पूछा गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैसेस। किसी भी ट्राई एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं आपसे। मान लीजिए वो गैस इस फॉर्म में है, A3 के फॉर्म में ट्राई एटॉमिक गैस है मान लीजिए, तो उसमें एक मॉलिक्यूल में ही 3 एटम हो जाएंगे। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी बच्चों, मतलब व्हाट इज द एटोमिसिटी बेसिकली। सर एटोमिसिटी हो जाएगी, एटोमिसिटी विल बी 3। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। सर ये ट्राइटोमिक गैस है तो इसके एक मॉलिक्यूल में ही 3 एटम्स हो जाएंगे, सो व्हाट इज एटोमिसिटी 3। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है क्योंकि मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स। चलिए सर 0.1 मोल में पूछा गया मुझसे, तो मुझे बताओ अगर एक मॉलिक्यूल में ही 3 एटम्स हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, तो एक मोल अगर होता तो एक मोल A3 में कितने एटम हो जाते, सर 3 मोल एटम हो जाते। साफ साफ बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। जब एक में 3 है तो एक मोल में 3 मोल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं बताई आपने। तो मुझे सिमिलरली बताइए मुझे 0.1 मोल ट्राइटोमिक गैस है तो कितने एटम हो जाएंगे सर, 0.1 × 3 हो जाएगा सर, इतने मोल हो जाएंगे सर, पूछने वाली क्या बात है, बोलो भैया। एक में 3 है तो 0.1 में 0.1 × 3 हो जाएंगे, दैट इज 0.3 मोल एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे उस ट्राई एटॉमिक गैस में। अब आपसे बेटा संख्या पूछे गए नंबर के फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि एक मोल की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज 1 मोल, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0.3 × एवोगैड्रोस नंबर Na, इतने एटम्स आपके पास आके चले जाएंगे बच्चों, दैट इज 0.3 × एवोगैड्रो की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हाँ सर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 0.3 × 6.022 × 23 10³, 6 × 18 लगभग 18 के आसपास आ जाएगा,
तो 0.18 बोल दीजिए आप, बिकॉज डेसिमल है, इंटू 10 की पावर 23। डेसिमल खिसकाएंगे तो 1.8, लगभग 10 की पावर 22। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, बाकी ऑप्शन आप निकाल लेंगे आराम से। 1.8 के आसपास 10 की पावर 22, ठीक है सर। 10 की पावर 23 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस पावर में खेलना आपको, क्योंकि मैंने एक डेसिमल खिसकाया है, तो ऑप्शन बेटा ए हो जाएगा। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए। प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ये कहाँ आया सर? ये सब सवाल आया एपीएमटी मेंस 2011 में बच्चों अपने पास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा इन सभी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे ज्यादा किसी में होंगे पूछा गया। क्या सभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है? हाँ सर, H2 गैस मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। तो इन सभी सैंपल का कुछ मास दिया हुआ है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम पूछा, सभी के अंदर निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला काम है सवाल समझना बच्चों के, आपसे पूछा गया कि इन सभी के अंदर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और जिसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सिमम रहेगी वो आपका आंसर रहेगा। तो मैंने कहा मॉलिक्यूल से पहले तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आगे तो मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से अपने आप आ जाएगा सर। तो ऑप्शन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए का बताइए मुझे आप, 64 ग्राम SO2 गैस है, नंबर ऑफ मोल्स बताइए, गिवन मास 64 है और SO2 का मोलर मास भी 64 होता है सर, तो यहां पे एक मोल आ गया। तो मुझे बताओ एक मोल सैंपल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इनटू Na कर देंगे सर। तो एक मोल में Na आइटम्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो एक मोल के अंदर इतने ही मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी कि Na के बराबर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पहला आंसर है Na के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं SO2 के अंदर, मतलब SO2 के Na के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। सेकंड देखिए ध्यान से, यहां पे भी देखो ध्यान से आप, ऑप्शन बी में 44 ग्राम गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास CO2 का मोलर मास 44, अगेन एक मोल, और एक मोल में सैंपल का नंबर क्या हो जाएगा, Na, दोनों में बराबर वैल्यू है सर, तो आंसर तो हो नहीं सकता, हमें तो चाहिए मैक्सिमम। सी पे आ जाइए, सी में ध्यान दीजिएगा, सी में मोल्स निकालिएगा आप, ओजोन के गिवन मास 48 है और ओजोन में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 16 × 3 = 48 मोलर मास है, कितना आ जाएगा बेटा, अगेन 1 मोल। मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूं, मुझे पता है सवाल में कुछ भी नहीं है, बिना पेन के भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, बट ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए वीडियो बनाई जाती है बच्चा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बच्चा कि ये एक मोल है, एक मोल है, एक मोल है, तीनों के मोल्स बराबर है, आंसर नहीं हो सकते। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, निकाल के देख भी लो चाहो तो। कैसे निकालेंगे सर, गिवन मास कितना है, 8 ग्राम है सर, एंड व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2, सो इट इज 2 ग्राम पर मोल, तो क्या आ जाएगा, 4 मोल आ जाएंगे H2 गैस के। अगर 4 मोल H2 गैस है तो H2 गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4 × Na, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। डन, प्यारा सवाल था, बढ़िया सवाल था, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट हर साल आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये कहां है सर? सर ये आया नीट UG 2013 के अंदर। चलिए एक सवाल आपके सामने है, इस सवाल में थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिला के सवाल पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन फोर्थ, एंड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बच्चों आपके पास गिवन है AgNO3 की एक्सेस मात्रा, यानी कि यहां से AgNO3 आपके पास गिवन है एक्सेस अमाउंट में, जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है तो यहां से Ag पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ये बेटा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप क्लास 11वीं के बच्चे हैं तो अभी आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। क्या बोला बच्चों मैंने, अगर आप क्लास 11वीं के बच्चे हैं तो अभी आप इस सवाल को उतना बेटर नहीं समझ पाओगे, बिकॉज इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरमिक्स कर दिया, क्लास 12 का टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उस सवाल से मोल कॉन्सेप्ट को जोड़ के सवाल पूछ लिया गया है। तो अगर आप क्लास 11वीं के विद्यार्थी हैं तो अभी सवाल को इस मोमेंट के लिए स्किप कर सकते हैं, 12th के हैं या ड्रॉपर है तो जरूर आपको देखना पड़ेगा साथ साथ, और जो 11वीं के हैं बाद में आके देख लेंगे जब टॉपिक पढ़ लेंगे वाला। सर इस कॉम्प्लेक्स का डायग्राम क्या रहेगा, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अपने पास डाइक्लोरो टेट्रा 2 क्लोरीन है, 4 वाटर है, क्रोमियम अपने पास, सो क्रोमियम डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम, टेट्रा एक्वा H2O4 क्लोराइड बच्चों। तो चार्ज क्या है, वैलेंसी क्या है सर, वैलेंसी अपने पास 3 है, +3 कैसे आएगा सर, अंदर से +2 आ जाएगा, बाहर एक सेल होगा सर, तभी जाके अपने पास, इट इज द ऑक्टेटल कंपाउंड, तो Cl2 का यहां -2 और बाहर से एक आ जाएगा, दैट इज योर -1, तो यहां से क्रोमियम विल बी +3, -3 और यहां +3 आ जाएगा। आपसे पूछा कितने मोल्स बनेंगे AgCl के, तो मैंने कहा अगर इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ तो मुझे, आप जानते हैं बच्चे कंसेप्ट क्या होता है कि यहां से जो Ag प्लस है वो इस एक्सटर्नल Cl माइनस को रिएक्शन करके बनाएगा AgCl। जो भी क्लोराइड बच्चों, जो भी अपने पास आयन काउंटर आयन बनता है वही पीपीटी के अंदर या रिएक्शन के अंदर जा सकता है, जो भी लिगेंड का पार्ट है, लिगेंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ
प्रेसिपिटेट। तो यहां से जो सीएल आएगा वो सीएल एजी सीएल के लिए नहीं जा पाएंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका फर्दर डिसोशिएट या फर्दर आयनाइज नहीं कर पाओगे, दैट इज द कंसेप्ट। तो मुझे बताओ कितने मिलेंगे सर, यहां पे एक ही सीएल है तो यहां से एक एजी प्लस आएगा और आपको एक मोल मिलेगी एजी सेल की पीपीटी, यानी कि एक एजी सेल मिलेगा सर। तो डाटा के हिसाब से बताइए सर, ये 100 ml गिवन था और ये 0.01 मोलर, क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे सर। मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास सर 1 मिलीमोल, क्या आ जाएगा 1 मिलीमोल्स, 1 मिलीमोल्स बिकॉज वॉल्यूम ml में है तो मिलीमोल आ जाएंगे, ठीक है सर। तो सर ये तो एक्सेस में है, ये 1 मिलीमोल है, तो मुझे बताओ इसके इसकी मात्रा कितनी बनेगी सर, इस 1 मिलीमोल में, मुझे बताओ इस 1 मिलीमोल में इस कॉम्प्लेक्स का 1 मिलीमोल गिवन है, हाँ सर, तो मुझे बताओ इस 1 मिलीमोल में सीएल माइनस कितने हैं सर, एक ही है बिकॉज बाहर एक ही है। तो अगर मैं इसको डिसोशिएट भी करता हूं, इसको मैं आयनाइज भी करता हूं, तो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रहेगा सर, एक सीएल माइनस का पार्ट रहेगा और यही जाएगा एजे के साथ, क्योंकि एक ही सीएल है, तो अगर ये 1 मिलीमोल है तो उसमें सीएल माइनस की मात्रा भी 1 मिलीमोल होगी, तो वो 1 मिलीमोल रहेगी, तो बनने वाला एजी सेल की मात्रा भी 1 मिलीमोल ही हो जाएगी, बिकॉज यहां से भी एक ही सेल आएगा तो यहां भी एक ही आएगा सर, मतलब 1 मिलीमोल इज 1 मिलीमोल, तो ये बनेगा एजी सेल की मात्रा। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 मिलीमोल, मिली का मतलब क्या हो जाएगा 10^-3 मोल। बहुत आसान सवाल है अगर आप इस चैप्टर को जानते हैं, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है क्लास 12th का, तो ये सवाल आप जल्दी से निकाल देंगे, ऑप्शन बी आपका इसका आंसर होके आ जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, तो मैंने बता दिया कौन सा विद्यार्थी फिलहाल इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन, तीन गैस गिवन है बच्चा, आपके पास H2 गैस गिवन है, आपके पास O2 गैस गिवन है और आपके पास मीथेन गैस गिवन है, तीनों का मास बराबर है, इक्वल मास गिवन है तीनों का बच्चों, ठीक है। मैंने इसका मास m मान लिया, तो इसका भी मास कितना हो जाएगा m, इसका भी कितना हो जाएगा m। Have been taken in a container of volume V at a temperature of 27 degree Celsius। बेटा तीनों का मास बराबर है, आप तीनों को आपने एक बीकर में डाल दिया, उस बीकर की मात्रा वॉल्यूम V है और जो टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर है, ये डाटा सवाल में दिया हुआ है। एट आइडेंटिकल conditions, कंडीशन बराबर है तीनों के लिए, मास बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेज H2O2CH4 इज विल बी, तो आपसे पूछा बच्चों कि इन जो गैसेज हैं इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, बेसिकली आपसे पूछा गया अपने पास, तो कैसे करेंगे सर सवाल ये, अच्छा क्वेश्चन अपने पास। ये जो वॉल्यूम है बेटा ये तो बीकर की वॉल्यूम है जिसमें आपने डाला गया है आइडियल कंडीशंस के फॉर्म में, अभी तीनों का मास आपने सेम निकाल लिया लेकिन मोल्स पे बेटा वॉल्यूम निकलेगी, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मोल्स चाहिए होते हैं बेटा, क्या बोला मैंने, आप जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, बोलो हाँ है ना, कंडीशंस आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या रहेगा अपने पास, कंडीशंस आइडेंटिकल इसका मतलब क्या रहेगा अपने पास, क्या आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, यानी कि एसटीपी कंडीशन मान लीजिए आप, एसटीपी कंडीशंस मान सकते हैं, तो जो बेटा वॉल्यूम है इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम है इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको बेटा वॉल्यूम का रेशियो निकालने का मतलब है इनडायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है, जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का होगा वही वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो इसलिए आपको मास दिया हुआ है लेकिन मास बराबर है, मोल्स थोड़ा बराबर है, मोल्स तो हम निकालेंगे सर, मास बाय मोलर मास 2, मास बाय मोलर मास 32, मास बाय मोलर मास 16, रेशियो ले ले सर, इनका रेशियो ले लो सर आप, क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 रेशियो 1/32 रेशियो 1/16 अपने पास ये रेशियो आ रहा है, अगर हम बात करेंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप चाहो तो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 32 वैल्यू बड़ी है, तो ये काम करते हैं पूरे इक्वेशन को 32 से गुणा कर देते हैं, सभी को गुणा कर रहे हैं कोई फर्क होगा नहीं, तो पहले वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, बिकॉज 1/2 × 32 इज 16, 1/32 × 32 इज 1 और यह आ जाएगा 2, 16 1 2 ऑप्शन है, हाँ सर ऑप्शन है। देखिए ध्यान से बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल बन जाएगा ये एवोगैड्रोस लो का, सवाल बच्चों बन जाएगा अपने पास, टॉपिक का रहेगा एवोगैड्रोस लो का, ठीक है ये सवाल हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, अगेन देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है नेक्स्ट वाला भी, एआईपीएमटी का सवाल है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ CL2 गैस एट STP, दो गैसेस को आपने बेटा STP पे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मिक्स किया है,
द मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया सवाल है, रिएक्शन करवा के करना पड़ेगा आपको। H2 गैस बेटा रिएक्शन करेगी हमारी Cl2 गैस के साथ, तो अपने पास HCl गैस यहां से बन के आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, तो 22.4 लीटर बच्चों अपने पास गिवन है, तो मुझे बताओ 22.4 लीटर गैस एट STP तो कितने मोल्स हो जाएंगे, एक मोल हो जाएगा सर। इनडायरेक्टली आपको सर एक मोल दिया, ये कितना दिया सर, ये आधा मोल दिया हुआ, हाफ मोल दिया सर। अरे बोलो भैया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं एट STP? सर इट इज वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय 22.4, तो फॉर्मूले सामने दोनों के मोल्स निकाल लिए, खत्म क्वेश्चन। बैलेंस कर लीजिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बैलेंस कर लीजिए सर, H2Cl2 सर यहां के 2HCl कर दो आप, ज्यादा बेटर रहेगा बजाय यहां पे हाफ लगाने के, ठीक है एक ही बात है, 2H है 2Cl है, 2H और 2Cl, ठीक है सर। अब सर कितना बनेगा HCl पूछा आपसे, तो एक मोल और यहां भी एक मोल, एक मोल के लिए एक मोल चाहिए। सबसे पहले काम होता है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना, अगर है तो एक मोल H2 के लिए एक मोल Cl2 चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग है, डाटा क्या बोलते हैं। अगर एक के लिए एक चाहिए तो मेरे पास तो एक ही है सर, तो उसके लिए एक चाहिए होगा पर है आधा। रिएक्शन क्या बोलती है, रिएक्शन होने के लिए एक सीएल चाहिए, तो इस एक मोल के लिए इसके लिए भी एक मोल चाहिए होगा, पर ये हाफ मोल गिवन है सर, कम गिवन है, रिक्वायरमेंट से कम गिवन है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही हमारा आंसर निकालता है, वही बता के जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो कितना बनेगा सर, ये कह रहा है कि अगर एक Cl2 लिया होता तो दो मोल बन जाते, ये बोलता है अगर एक लिया होता तो दो बन जाते, मैंने कहा एक तो नहीं लिया, मैंने हाफ लिया है, एक का डबल हो रहा है तो हाफ का डबल कितना हो जाएगा, एक मोल, एक मोल कितना बनेगा आपके पास, ऑप्शन ए, वन मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, डन। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेम APMT 2014 का सवाल बच्चों, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट, मैग्नीशियम क्या Mg मेटल है, इसको बर्न करें गर्म करें विद 0.56 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, या क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन द एक्सेस एंड बाय हाउ मच, कौन सा रिएक्टेंट की मात्रा एक्सेस के हो जाएगी, मतलब विच इज एक्सेस रिएजेंट, और अगर एक्सेस है तो कुछ बचेगा, तो रिएक्शन के बाद कितना बचेगा, तो बढ़िया सवाल है, अगेन वही सवाल है कि लिमिटिंग खत्म हो जाएगा सर, जो बाजू वाला है दैट इज एक्सेस रिएजेंट वो बचेगा, और रिएक्शन के बाद कितना बचेगा वो हमसे पूछा भी गया है। तो सबसे पहले काम है सर रिएक्शन को बनाना, देखो रिएक्शन बना के दी नहीं आपको, रिएक्शन आपको खुद बनानी है सर। Mg रिएक्शन करता है O2 के साथ, और क्या बनाता है MgO, बहुत बेसिक रिएक्शन है, पहले से पढ़ते आते हैं, आप चाहो तो यहां बैलेंस भी कर लीजिए, करना पड़ेगा हाफ आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 ग्राम दिया मैग्नीशियम, ये दिया 1 ग्राम, और ये दिया बहुत कम 0.56 ग्राम ऑफ O2 गैस, और पूछा कि कितना कौन सा रिएक्टेंट बचेगा, तो मैंने कहा ग्राम से मतलब नहीं है, मोल्स निकालिए, रिएक्शन हमेशा चलती है मोल्स के हिसाब से, तो दोनों के मोल्स निकाल लीजिए फटाफट से, मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, दिया भी हुआ है वैसे आपको याद भी होना चाहिए, Mg को 24 होता है, और यहां कितने मोल्स हो जाएंगे सर, यहां हो जाएंगे 0.56 गिवन मास, O2 गैस का मोलर मास 32, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, एक बार थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, 1/24, और यहां आ जाएगा 0.56/32, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको पता लगाना है कि दोनों में से लिमिटिंग कौन है, तो पता लगा लेंगे सर, ट्राई कर लेते हैं। स्टोइकोमेट्री कहती है 1:0.5, ये कहती है अगर एक मोल एमजी लेंगे तो उस एक मोल एमजी के लिए आधा मोल O2 चाहिए होगा, स्टोइकोमेट्री बोलती है अगर एक एमजी लोगे तो उसके लिए आपको आधा O2 चाहिए होगा, तो मैंने कहा अभी मेरे पास इतने मोल्स हैं, चेक कर लेते कितना चाहिए होगा इसके लिए, अगर एक मोल एमजी लेंगे तो उसके लिए आधा मोल O2 चाहिए, इसका मतलब अगर 1/24 मोल लेंगे एमजी का तो आपको कितना O2 खर्च हो जाएगा, इतने एमजी के एक के लिए हाफ चाहिए, तो इतने एमजी के लिए कितना चाहिए होगा O2 गैस, एक एमजी के लिए हाफ O2 गैस चाहिए, इतने एमजी के लिए कितना O2 चाहिए होगा, हाफ इंटू 1/24, एक के लिए हाफ तो इसके लिए इतना हो जाएगा, दैट इज 1/48, इतना O2 गैस आपको चाहिए होगी रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए, पर आपके पास है कितना, आपके पास है 0.56 by 32 चाहिए, कितना आपको चाहिए 1/48 O2, और है कितना 0.56 by 32, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डेसिमल में मजा नहीं आ रहा ठीक है सर, इसको यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 56 नीचे आ जाएगा 32, और यहां 100 हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा सर, इजिली हो जाएगा सर, बोलो बेटा इजिली हो जाएगा, यस, तो 7/400 लगभग,
तो फोर निकालिए आप सेवन से, इस डेसिमल को आप ऊपर ले जाएंगे, माइनस टू हो जाएगा ये, तो ठीक है सर अभी तो मतलब 147 के आसपास, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस टू ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1.7 10 की पावर माइनस टू, मतलब इट इज टेक्निकली 0.017। इतने मोल्स सवाल में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है 1/48 O2। इसके इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा कितनी, कुछ एक तो सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा, ऐसे तो है नहीं कि हम कुछ भी सॉल्व करें आंसर आ जाएगा, डिफिकल्ट सवाल है सॉल्यूशन के फॉर्म में, अदरवाइज नहीं। तो 48 O2 वन आ जाएगा, सॉल्व कीजिए फटाफट से एक बार आप। लगभग सर अपने पास लगभग 0.02 लगभग इतने मोल्स आ रहे हैं। यहां कितने? 0.017 0.02। सवाल क्या बोलता है? सवाल कह रहा है कि 1/24 के लिए आपको 0.02 मोल चाहिए, 0.02 चाहिए, पर है कितने? 0.017 के आसपास है, तो कम है सर। तो लिमिटिंग कौन है? सर ये लिमिटिंग है, पर मुझसे पूछा गया एक्सेस बताइए, सर ये एक्सेस है, मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है, तो यहां से O2 वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है। अब कितना एक्सेस है वो देखो ध्यान से आप, वो कह रहे अगर 1/24 खत्म करोगे मैग्नीशियम को तो आपको इतना O2 चाहिए होगा 0.02। मैंने कहा इतना O2 है ही नहीं मेरे पास, जितना O2 है उसके हिसाब से बताओ कितना mg चाहिए होगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो 0.017 ही O2 है। तो मैंने कहा ठीक है रिवर्स करते हैं बात को, बात को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कैसे करेंगे सर? कि 0.02 मोल O2 अगर होता तो 1/24 मोल मैग्नीशियम खर्च हो जाता, पूरा खर्च हो जाता, पर मैंने कहा मेरे पास O2 है ही नहीं इतना, मेरे पास O2 ही कम है, लगभग इतना O2 है, तो इतना O2 के लिए कितने मोल खर्च किए जाएंगे? इट इज अ टीडियस कैलकुलेशन, थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन है बस, अदरवाइज सवाल में कुछ खास नहीं है, ये बात आप भी जान रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप, यहां से यहां पे ऊपर 17 नीचे 20 आ जाएगा, लगभग 1 के आसपास, 0.9 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपके पास रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, आपसे पूछा गया सर, मुझसे मास ग्राम पूछा गया, तो ये तो मोल्स आ गए, एमजी के रिक्वायर्ड मोल्स हैं, ये एमजी के मोल्स हैं, एमजी का मास 24 हो जाएगा, तो 24 कैंसिल हो गया, 17/20 इतना ग्राम मैग्नीशियम खर्च हो जाएगा। तो कितना बचेगा सर? लिया गया था 1 ग्राम, सर 1 ग्राम लिया गया था अपने पास, तो अगर 1 ग्राम लिया गया तो 1 ग्राम में से इतना हटा दीजिए 17/20, तो यहां से आ जाएगा 3/20, इतना ग्राम मैग्नीशियम लेफ्ट बिहाइंड रहेगा रिएक्शन के बाद, बच जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड रहेगा, दैट इज 3/20। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं आराम से, आप निकाल लेंगे 3/20 कर ले, सॉल्व कर लो सर, बच्चों की तरह कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस बोलो, लगभग 0.15-0.16 के आसपास आना चाहिए जी, यहां से एक ऑप्शन है, बिकॉज हमने यहां भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है, जाहिर सी बात है। क्या समझे इससे आप? कि एक्सेस रिएजेंट निकालना टेढ़ी खीर है भैया, है सच में। एक्सेस रिएजेंट कौन है ये तो पता आराम से कर लोगे, कितना बच गया ना वो पता करना डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी ऐसे कैलकुलेशन के अंदर जब सब कुछ मास में चल रहा हो बच्चों, ये मास में है ये, और ये वैल्यू तो कितना गंदी वैल्यू दे रखी है, डिवाइड करके भी आ जाएगा, गेम खराब हो जाता है, बट करना पड़ता है एक दो बार, ठीक है कर दिया मैंने आपके सामने। 7th क्वेश्चन डन, 8th क्वेश्चन बच्चों, ठीक है इसलिए आप एग्जाम में घबराते सर, एग्जाम में से टाइम लग गया, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जानबूझ के 5 मिनट खराब करने के लिए, कि बच्चा इसमें आएगा ईगो पे बात आ जाएगी, 5 मिनट खराब कर देगा, ऐसा नहीं करना आपको एग्जाम में। आप प्रैक्टिस करोगे पीवाई क्यूज, आपको दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में समय लगने वाला है, डाटा बड़ा कॉम्प्लेक्स गिवन है, छोड़ देना उस टाइम पे। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2NO2 गैसेस इन द रेशियो 1/4 मास बाय मास, तो बेटा H2 और O2 का रेशियो दिया है, मास बाय मास रेशियो दिया है, तो इसका मास अगर 1 है तो इसका मास 4 मान लेंगे आप, इस प्रकार से मास का रेशियो दिया अपने पास। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ दिस टू गैसेस इन द मिक्सचर, इनका मोल्स का रेशियो क्या होगा? मोलर रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो क्या रहेगा, मोल्स का रेशियो क्या रहेगा अपने पास? तो 1/4 रेशियो क्या गिवन है बच्चा अपने पास? 1/4 वेट बाय वेट, मास बाय मास बच्चों, तो इसका मास अगर 1 मानेंगे तो इसका मास 4 मान लोगे इस प्रकार से, तो ये तो मास गिवन है सर, मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 बाय
4/32 सॉल्व इट, सॉल्व इट। कुछ 4/1 आना चाहिए, ऑप्शन है क्या? हाँ सर ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने पास अवेलेबल। आसान सवाल था ये, तो कुछ खास था नहीं इसमें। नेक्स्ट, यस आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 9 देखो ध्यान से बच्चा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसके अंदर बेटा वाटर मॉलिक्यूल सबसे मैक्सिमम है पूछा गया, मॉलिक्यूल संख्या पूछे। सेम क्वेश्चन क्या था अभी थोड़ी देर पहले भी, 18 ग्राम पानी, अगर 18 ग्राम पानी है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल है, और 1 मोल पानी में एवोगैड्रो के बराबर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। 18 मोल ऑफ वाटर, 18 मोल है तो इसमें मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 18 एनए हो जाएंगे, बहुत ज्यादा है सर। 18 मॉलिक्यूल्स, ओहो अगर 18 मॉलिक्यूल्स हैं तो 18 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? बोल तो दिया उसने 18 ही है, मात्र 18 है। क्या पूछे हैं मॉलिक्यूल्स किसमें मैक्सिमम है? ये तो खुद ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 18 मॉलिक्यूल ही दिए हुए हैं, सबसे कम होगा 1.8 ग्राम। तो मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास, कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल आ जाएगा सर, और 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.1 × Na। क्या ये मैक्सिमम है? सर मैक्सिमम तो ऑप्शन बी में ऑलरेडी आ चुका है, क्वेश्चन पहले ही खत्म हो चुका अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम दिस मोल टू दिस, दिस वुड चेंज। वो कह रहे कि अगर एवोगैड्रो की वैल्यू को आप इससे बदल के, अभी तो हम यही यूज करते हैं 10^23 पर मोल, अगर यहां से हटा के बेटा इतना कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? ऐसा वो कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। दिस वुड चेंज द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, रेशियो बदल जाएगा ऐसा वो कह रहा है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन का मास बदल जाएगा। तो बेटा होता क्या है सर, ये 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ स्पीशीज की संख्या है, 1 मोल में कितने स्पीशीज आएंगे उसका मायदा है। ये कहां से आता है, डेफिनेशन कहां से आती है? सर 1 मोल की डेफिनेशन आती है स्टैंडर्ड सोर्स से, दैट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कार्बन, कि C6H12 कार्बन के अंदर अगर उसका 12 ग्राम ले लिया जाएगा तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे उसको आज के बाद हम 1 मोल घोषित कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज विल बी रिगार्डेड एज 1 मोल। तो आपने क्या बोला सर कि 12 ग्राम सैंपल लिया गया है कार्बन 12 आइसोटॉप का, और इस 12 ग्राम में कितने एटम्स कार्बन के आएंगे आज के बाद उन्हें 1 मोल के बराबर पुट कर देंगे, बिकॉज मोल इज अ वैल्यू, काउंटिंग वैल्यू वो तो। और कितना आता है सर? वो आता है 6.023 10^23, दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा 12 ग्राम कार्बन जब लिया गया तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम्स कितने आए? इतने आए सर। तो सबने क्या बोला, आज के बाद ये वैल्यू जब भी आएगी तो उसको बोल देंगे 1 मोल के बराबर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज अ काउंटिंग वैल्यू। ठीक है सर, तो अगर आप कह रहे हैं कि आप इस वैल्यू को बदल के कुछ ऐसा कर देंगे, मैंने कहा ठीक है अगर मैं वैल्यू को बदल के कुछ ऐसा कर दूंगा, कितना 10^20 कर दूंगा सर, वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो वैल्यू चेंज करने से क्या होगा सर? रेफरेंस हमारा बिगड़ जाएगा, रेफरेंस के हिसाब से, मोल की डेफिनेशन के हिसाब से 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स कार्बन के होते हैं। अगर आप डेफिनेशन के अंदर बोल रहे हैं कि इस इतने मोल की जगह पे इतने मोल कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास अमाउंट ऑफ कार्बन भी कम हो जाएगा, बिकॉज 10^23 10^20 लगभग 10^3 का फर्क आ गया, 1000 का फर्क आ गया, 10^3 का फर्क आ गया इन द नंबर ऑफ एटम्स गिवन इन द सैंपल। तो क्या बदलेगा सर? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विल चेंज। 1 मोल के अंदर पहले 12 ग्राम कार्बन आ रहे थे, ये था ना 1 मोल, तो कितने कार्बन आइटम आ रहे थे, मतलब कितना कार्बन का सैंपल आ रहा था, मास कितना आ रहा था? 12 ग्राम आ रहा था सर, बिकॉज 12 ग्राम के अंदर इतने आइटम्स आ रहे थे। अब आप कह रहे कि सर इसको हटा दो ये करेंगे, तो मैंने कहा जब ऐसा करोगे तो आपकी जो डेफिनेशन है मोल की वो बिगड़ जाएगी, मतलब मास विल चेंज, ऑप्शन डी आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन 11th, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग। तो बेटा आप जानते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो डीकम्पोज कर जाता है, कार्बोनेट स्टेबल नहीं होते, दे विल गेट डीकम्पोज थर्मली गर्म करने पे, तो ये बनाएगा बच्चा अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 का, सिंपल इक्वेशन है याद रहती है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। 20 ग्राम है सर, 20 ग्राम गिवन अपने पास इनिशियली, और डाटा क्या दिया, टू गिव CO2 गैस एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये 8 ग्राम दिया है वाला, CO2 गैस के बारे में कुछ जानकारी दी है? वैल्यू नहीं दी सर।
वट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल? वट इज द परसेंटेज प्योरिटी? बेटा परसेंटेज प्योरिटी वाला सवाल 2023 में भी आया है, परसेंटेज प्योरिटी वाला सवाल बेटा 2023 के अंदर भी आया नीट के अंदर। ये सवाल ये कंटेंट गिवन नहीं है अपने पास बेसिकली इन द एनसीईआरटी, पर नोट्स में हम पढ़ाते हैं जाहिर सी बात है। तो कह रहे वट इज परसेंटेज प्योरिटी, इसका मतलब ये कहने का कि मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट 100% प्योर, इसमें कुछ इंप्योरिटी भी हो सकती है। और मान लीजिए 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो 100 ग्राम में से हो सकता है 80 ग्राम ही प्योर फॉर्म में हो, 20 ग्राम कूड़ा हो, कुछ और नमक आ गया हो, सोल्ट आ गया हो, तो क्या पूरे 100 ग्राम में से MgO बनेगा? नहीं सर, MgO तो सिर्फ MgCO3 से बनेगा जो कि सिर्फ 80 ग्राम है, समझे? तो बाकी 20 ग्राम तो फालतू है सर, वो सिर्फ बैठा हुआ है एज इंप्योरिटी, उससे नहीं बन रहा MgO या CO2 गैस, बिकॉज इस ये जो बन रहा है बेटा, ये जो कंपाउंड बनेंगे, ये कंपाउंड के लिए ये ही चाहिए होगा आपको, इसके साथ में जो इंप्योरिटी है वो कुछ नहीं कर रहे, उनसे कोई भी आपको MgO वगैरह ऑब्टेन नहीं हो रहा। तो ये रिवर्स आपको सोचना है कि यार जो मुझे चीज मिली है ना, ये तो प्योर फॉर्म से मिली होगी ना, प्योर MgCO3 से मिली होगी, उसकी मात्रा मुझे पता करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? दैट इज द परसेंटेज प्योरिटी। अब सवाल को पहले बैलेंस चेक कर लीजिए, हाँ सर बैलेंस है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एकदम बैलेंस सवाल है सर। अब मुझे बताओ ये कह रहा है कि आपको 8 ग्राम MgO मिल रहा है, ये कह रहा है कि आपको 8 ग्राम MgO मिल रहा है डिकम्पोज करने में 20 ग्राम को। पहले मैं बात कर लेता हूं स्टोइकोमेट्री से, हमेशा बेटा आप बात करोगे स्टोइकोमेट्री से। स्टोइकोमेट्री मुझे क्या कहती है? मुझे स्टोइकोमेट्री यानी कि रिएक्शन की जो स्टोइकोमेट्री वो क्या कहती है, अगर आपने एक MgCO3 लिया होता, मतलब एक मोल लिया होता, तो आपको एक मोल MgO मिल जाता। रिएक्शन तो मुझे यही कह रही है, रिएक्शन मुझे कह रही है कि अगर आपने एक मोल MgCO3 लिया होता तो आपको एक मोल MgO मिल जाता। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप, एक मोल को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक मोल MgCO3 का मास कितना हो जाएगा सर? Mg का मास 24, कार्बन का मास 12, उसका मास 48, ये दोनों 60, 87, 84, यानी कि 84 ग्राम अगर आपने लिया होता शुरुआत में MgCO3, तो आपको Mg24 और ये 16, 40 ग्राम आपको MgO मिल जाता रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन मुझे कहती है एक मोल अगर लिया होता तो आपको एक मोल ये मिल जाता, मतलब 84 ग्राम लिया होता, ये 84 ग्राम लिया होता तो आपको यहां से 40 ग्राम MgO ऑब्टेन हो जाता। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है, अब डाटा के अकॉर्डिंग क्या है? डाटा दिया 20 ग्राम से, 20 ग्राम जब लिया गया तो आपको मात्र 8 ग्राम मिल रहे हैं। तो मैंने कहा जब 84 ग्राम लिया गया होता तो 40 ग्राम मिल जाता, तो अगर इसकी जगह पे मैं लूंगा 20 ग्राम जो कि सवाल में गिवन है, तो मुझे कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सर अगर 20 ग्राम लोगे तो आपको मिलेगा 40 × 20/84, इतना ग्राम आपको मिलेगा सर रिएक्शन के डाटा के अकॉर्डिंग। ये वैल्यू कितनी आ रही है एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा सबने पास, जाहिर सी बात है। तो डन, यस, लगभग कितना है बेटा? 4, 5 नीचे 21, ऊपर 200 के आसपास लगभग। मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, लगभग कितना आ जाएगा ये सर? 10 ग्राम के आसपास, लगभग 10 ग्राम के आसपास, 200/21, मतलब 21 को मैंने 20 मान लिया, ऐसा हम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन आपको आनी चाहिए, ये सब सिखाते हैं हम क्लासेस के अंदर बच्चों, बिकॉज ऑप्शन भी काफी दूर दूर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 10 ग्राम बनना चाहिए था, पर बना कितना? 8 ग्राम। भाई डाटा अगर 20 ग्राम लिया होता, 20 ग्राम से आपको ये मिलना चाहिए था 10 ग्राम, पर मिला कितना? 8 ग्राम। क्यों सर? बिकॉज ये प्योर, बिकॉज ये 20 ग्राम प्योर नहीं है, इसमें MgCO3 की मात्रा 20 ग्राम से कम है, बाकी जो 4-5 ग्राम एक्स्ट्रा होगा वो इंप्योरिटी होगी, समझे? अब रिवर्स सोचो, समझा दिया मैंने, अब रिवर्स चलते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा सोचते हैं। तो मुझे बताओ 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए होता, वैसे एक्चुअल में कितना चाहिए होता सर? अगर 20 ग्राम लिया आपने तो 20 ग्राम में से तो 10 ग्राम बन जाता, बना तो 8 ग्राम ही ना। तो सर 8 ग्राम ही तो मुझे मिला है, तो उस 8 ग्राम के लिए एक्चुअल में कितना चाहिए होगा ये वाला ग्राम? 20 से कम चाहिए होगा सर, बिकॉज 20 अगर लिया होता तो 10 ग्राम चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था, तो 8 ग्राम अगर बना है तो जाहिर सी बात है 20 से कम होगा सर, प्योर MgCO3 20 से कम होगा। कैसे सोचेंगे अभी? उल्टा सोचो आप कि 84 ग्राम से आपको मिल रहा है 40 ग्राम, उल्टा सोचो अभी कि 40 ग्राम MgO बनाने के लिए आपको 84 ग्राम MgCO3 चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। देखो बेटा मैं बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ हर बच्चा थोड़ा सोचे भी, सीधा आंसर भी नहीं आना होता कि सर सीधा बताइए, सीधा बेटा कोई तरीका होता नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जल्दबाजी करोगे तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे आराम आराम से धीरे धीरे बेटा लेयर बाय लेयर
फ्रेमवर्क को डेवलप करना पड़ता है अपने पास। क्लियर है? आप देखो ध्यान से, आप तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन करने के, हमें रट्टाबाजी नहीं करना, अप्रोच करनी है बच्चा। एक ही बात है, 84 से 40 बनेगा तो 40 के लिए 84 चाहिए होगा। हाँ सर, तो सर 8 ग्राम ही तो बना है, तो 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए मुझे? सर 40 ग्राम MgO के लिए मुझे 84 ग्राम MgCO3 लग जाएगा सर, पर 8 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा? 84 × 8/40, 8 5 और लगभग बताओ कितना आएगा, लगभग कितना आएगा ये 5 16 5 17 के आसपास, 17 के आसपास लगभग 85 को 17 से निकल जाएगा वो। यानी कि 8 ग्राम MgO के लिए MgCO3 की मात्रा एक्चुअल में मुझे सिर्फ और सिर्फ 17 ग्राम के आसपास चाहिए, 17 ग्राम के आसपास चाहिए, और आपने दे रखा है मुझे 20 ग्राम। जाहिर सी बात है 20 ग्राम में 3-4 ग्राम इम्प्योरिटी है, जिससे नहीं बनेगा MgO वो तो इम्प्योरिटी है। अब खुद बताओ मुझे व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, अब तो निकाल दो, अब तो निकाल दो व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, अब तो आ जाएगा सर सवाल, अब तो सर सवाल आ जाएगा कि एक्चुअल MgCO3 कितना है उसमें 17 ग्राम है, 3 ग्राम तो इम्प्योरिटी है, तो 17 ग्राम है एक्चुअल में कितने में, 20 में, तो व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, ये आपका आंसर है। लगभग कितना सत्रह पंजे वही 85 के आसपास ऑप्शन है, परसेंटेज पूछा होगा ना आपसे, हाँ परसेंटेज ही पूछा आपसे, 85 के आसपास ऑप्शन भी। ये सवाल सॉल्व यहां से नहीं करना, ये तो बताया मैंने आपको, तरीका बताया सोचने का कि कैसे पता लगाया आपने कि कूड़ा कितना है, इंप्योरिटी कितनी है। सवाल एग्जाम में सॉल्व सीधा यहां से करना आपको कि 20 ग्राम से कितना बनेगा, बनेगा मुझे उसे मतलब नहीं है, मुझे तो 8 ग्राम बना के दे रखा है ना, तो 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा मुझे MgCO3, तो 8 ग्राम के लिए मुझे 17 ग्राम चाहिए भैया, तो दे तो 20 ग्राम रखा है, 3 ग्राम फालतू है, तो व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, 17 प्योर है कितने में से, 20 में से × 100, व्हाट इज परसेंटेज इंप्योरिटी, 15%। सवाल यहां से सॉल्व करना है, लेकिन तरीका बताया मैंने आपको, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। 12th क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा, अभी नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 एंड X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वे 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेज 9 ग्राम, डायटोमिक मास पूछा आपसे XM, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपसे। वो कह रहे कि भाई एक्स और वाई मिलके दो कंपाउंड बना सकते हैं XY2 और एक्स प्लस वाई मिलकर एक और कंपाउंड बना सकते हैं X3Y2, बैलेंस कर लीजिएगा, यहां 2y आ जाएगा, यहां 3+2y आ जाएगा। व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वे 10 ग्राम, इसका 0.1 मोल बेटा अगर लिया जाएगा तो ये 10 ग्राम के बराबर है, एंड 0.05 मोल ऑफ XY3 वे 9 ग्राम, इसका इतने मोल की वैल्यू 9 ग्राम है। तो आपसे पूछा एक्स एंड वाई का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एक्स एंड वाई का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तगड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो मैंने कहा एक मोल का मास निकाल लेते हैं, अगर एक मोल का मास आ जाएगा तो सवाल चीजें आसान हो जाएंगे अपने पास। कैसे सर मुझे बताओ, एक मोल का मास को क्या बोलते हैं सर, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, खत्म क्वेश्चन, बोलो सर। 0.1 मोल के अंदर 10 ग्राम है, एक मोल जिसको एक मोल के मास को मोलर मास कहेंगे, तो एक मोल में कितना ग्राम आ जाएगा, 10 × 1/0.1, आराम से करो कोई जल्दबाजी नहीं, 100 ग्राम, सबको पता 100 ग्राम आगे करके दिखाना पड़ता है, मेडिकल के बच्चे हो खतरनाक हो तुम। सर इस XY2 का जो मोलर मास है ना सर, मोलर मास 100 ग्राम है, कैसे पता मोलर मास, व्हाट इज मास ऑफ वन मोल, एक मोल के मास को ही मोलर मास कहते हैं, फिर तो आ जाएगा सर। इसका बताइए मुझे सर, 0.05 मोल लिया है तो 9 ग्राम मास आ रहा है, गलती से अगर एक मोल ले लोगे जो कि लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 9 × 100/ आप ठीक है सर, 5 × 9 = 18 = 180 ग्राम। तो इस X3Y2 का मोलर मास कितना एक्चुअल में, 180 ग्राम है, और इसका मास कितना एक्चुअल में, 100 ग्राम है मोलर मास, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मोलर मास क्या होता है सर, मोलर मास होता है 100 ग्राम मोलर मास, इसका मतलब क्या है,
मास ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स मास ऑफ वाई, पहली इक्वेशन। भाई मोलर मास क्या होता है, जितने भी एटम सबका मास ऐड कर दो। एन ए ओ टू का मास कैसे निकालते हैं, 2 × 16 = 32। हाँ सर याद आ गया, एक्स आई टू में एक एक्स है दो वाई है, मास ऑफ एक्स मोलर मास ऑफ एक्स प्लस 2 × मोलर मास ऑफ वाई मिला के 100 आना चाहिए। अच्छा दो इक्वेशन बनेगी, हाँ तो जब से करके आ रहा हूं मैं, एक्स थ्री यानी कि 3 × मास ऑफ एक्स प्लस 2 × मास ऑफ वाई सेकेंड इक्वेशन। सर मैं सॉल्व करता हूँ, सर मैं सॉल्व करूंगा, कोई भी कर देगा, पहले करता ना। तो इक्वेशन क्यों लिखी आपने, बताया लिख के, बस इक्वेशन की जरूरत थी नहीं वैसे। सर माइनस कर दीजिए, अच्छा क्या हो जाएगा, सर ये कर जाएगा, ठीक है सर, माइनस 80 माइनस 2 mx, एक्स का मास 40 आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स का सर 40 है तो वाई का 30 आना चाहिए। फिर भी कंफर्म कर लीजिए आप, यहां से किसी भी क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 100 40 प्लस 2 × y तो ये 60 आ जाएगा, उसको दो से डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा सर ऑप्शन से। कितना बेहतरीन सवाल है बताइए आप मुझे, कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बेसिक अल्ट्रा बेसिक सवाल है, लेकिन वही बच्चा कर पाते हैं जो कंसेप्ट को बेटा काम करते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन बेटा आपका इंतजार कर रहा है। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड दिस मच ऑक्सैलिक एसिड इज मिक्स्ड विद कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, द इवॉल्व गैशियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट्स, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। ठीक है बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छी बात है रिएक्शन दे दिया आपको, वरना एग्जाम में कभी रिएक्शन देता नहीं है। फॉर्मिक एसिड बेटा रिएक्शन करता है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वाटर बाहर निकल जाएगा बिकॉज ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो CO दैट इज CO मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी आपके पास। अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो आपको दोनों मिलेंगी, CO भी मिलेगी CO2 गैस भी मिलती है। ठीक है सर बैलेंस्ड आई थिंक, बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पूछा है वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, तो आपसे पूछा बेटा कि जो मास बचा हुआ है उनका जो अमाउंट बचा है प्रोडक्ट का उसका मास पूछा गया आपसे STP कंडीशंस के अंदर। इसका मास दिया बच्चा 2.3 ग्राम, ये अपने पास 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। द इवॉल्व गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH, अब KOH क्या बच्चा, सर KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH बेस है सर, अगर KOH बेस है तो वो एसिडिक प्रोडक्ट के साथ, वो एसिडिक मीडियम के साथ, वो एसिडिक गैस के साथ रिएक्शन करेगा। तो मुझे तो मिक्सचर में क्या है सर, मिक्सचर में तो ये है CO गैस भी है CO2 गैस भी है बिकॉज मिक्सचर है सर अपने पास, पर CO गैस इट इज न्यूट्रल गैस, CO2 गैस इज एसिडिक गैस, तो वो CO2 गैस तो KOH के अंदर रिएक्शन करके वहां से बाहर निकल जाएगी। द इवॉल्व गैसेस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद KOH पैलेट्स वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, तो ये तो यहां से खत्म हो जाएगी बच्चा, ये तो यहां से खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग अपने पास है CO गैस, उस मिक्सचर में रिमेनिंग गैस कौन सी हो जाएगी, CO गैस हो जाएगी, रिमेनिंग प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, बिकॉज जो भी गैस का मिक्सचर आया था उस मिक्सचर को अपने पास किया बेटा, गैस का मिक्सचर है इसको अपने पास किया KOH के चैम्बर से, तो KOH क्या करेगा बेटा, यहां से दो गैस आई CO गैस आई CO2 गैस आई, ये सिलेक्टिवली CO2 गैस एसिडिक है इसको खा जाएगा, तो यहां से आपके पास आगे सिर्फ CO गैस पास होगी, तो वो गैस रिमेनिंग है, इसलिए उस गैस का STP के अंदर बेटा, बिकॉज STP पे गैस की बात करते हैं, तो उस गैस का STP पे आपसे पूछा गया रिमेनिंग मास क्या आएगा, वाटर की बात होना करें यहां पे, ठीक है तो वाटर की बात नहीं करेंगे बिकॉज वाटर बेटा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वैसे भी STP पे हम गैस की बात कर रहे होते हैं, तो गैस पास करेंगे बच्चों। ठीक है समझिए क्वेश्चन का थीम क्या है। तो CO गैस का आपको मास निकालना है, सिंपल सी घुमा फिरा के ये बात पूछी गई है, तो आपको CO2 हटा देनी यहां से, बस CO का मास निकाल लीजिए, पहले वाले से कितना आएगा इस वाले से कितना आएगा सर, बैलेंस्ड है हाँ सर, तो इसका इसका एक मोल का मास कितना है निकाल लो सर, 1 + 12 + 1 + 32 12, 13, 14 और 32 46, इसका सर 46 मोलर मास है। अच्छा तो अगर 46 मोलर मास है फॉर्मिक एसिड का तो क्वेश्चन खत्म हो गया, एक से बनेगा एक CO, क्या मतलब है एक मोल से बनेगा एक मोल, मतलब 46 ग्राम फॉर्मिक एसिड से बनेगा CO, मतलब 12 और 16 28, एक मोल 28 ग्राम मास में चल रहा हूं मैं, पर मेरे पास है 2.3 ग्राम, तो अगर 2.3 ग्राम है तो इसे कितना बनेगा 28 × 2.3, अच्छी वैल्यू दी है कट जाएगी 46, डेसिमल नीचे 10 आएगा 2, तो यहां से आ जाएगा 1.4 CO यहां से बनेगी पहले इक्वेशन से, कुछ CO आपको यहां से भी मिलेगा सेकंड वाले से, वो कितना मिलेगा सर, सर उसके बारे में कोई जानकारी आप दीजिए हमें, तो उनके जानकारी के लिए स्पेस चाहिए होगा सुमित सर को, वो
वो सर आप खुद ही बना लो स्पेस। तो फॉर्मिक एसिड सॉरी ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का मास बताइए, मोलर मास। सर दो एच है, दो कार्बन है और चार ऑक्सीजन है, 16 × 64, 4, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 90। अच्छा सर, इसका मतलब एक मोल अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो वहां से आपको मिलेगा एक मोल सीओ, तो एक मोल का मतलब 90 ग्राम, तो 90 ग्राम अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो आपको मिलेगा 28 ग्राम सीओ। डाटा कितना दिया, डाटा दिया 4.5 ग्राम का, तो 4.5 ग्राम से कितना ग्राम सीओ मिलेगी सर, ये भी आसान है, वैल्यू यहां भी ठीक ठाक वैल्यू दी है, डेसिमल खिसकाओ आंसर लाओ, 14 × 10 = 1.4। तो सर यहां से आपको मिलेगा 1.4 ग्राम सीओ यहां से भी, और यहां से भी आपको मिलेगा 1.4 ग्राम सीओ, तो टोटल सीओ कितनी मिलेगी, टोटल सीओ कितनी मिलेगी सर, इट विल बी 2.8 ग्राम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, पर देखो ध्यान से, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है आपके, तो आपसे तो पहले ही सवाल है, मतलब आप ज्यादा पुराने होंगे ऑब्वियसली आपसे पुराना सवाल तो नहीं है एटलीस्ट, पर हाँ लेटेस्टली ऐसे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, बट हमें तैयारी बेटा पूरी करके चलनी है, ठीक है। चलिए डन हो गया, पहले समझा दिया, फिर तो बेटा क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए पहले आपको। 14th क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चा, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, सेम सवाल है, हमेशा आप पूछते हैं मॉलिक्यूल्स बताए किसे मैक्सिमम रहेंगे, 18 ml, 18 ml मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम में एक मोल पानी है, मतलब Na के बराबर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बिकॉज वाटर डेंसिटी 1 होती है, तो डेंसिटी अगर 1 है तो जो वॉल्यूम है वही ग्राम आ जाएगा, मास आ जाएगा। 0.18 ग्राम, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ये तो इसमें तो कम हो जाएगा सर, ऐसी बात है, इतना लीटर वाटर है एसटीपी कंडीशंस में, तो सर इतना लीटर मतलब एक मोल भी नहीं है सर, ये तो एक मोल तो पहले आ चुका है, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा सर, 10⁻³ मोल, नहीं सर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बड़ा आसान सवाल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स सॉरी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स में क्या होता है बेटा, अमोनिया बनाते हैं N2 और H2 गैस के साथ, तो रिएक्शन लिखिए पहले N2 गैस प्लस 3H2 गैस बैलेंस कर लीजिएगा, बनेगी आपके पास 2 अमोनिया, 20 मोल्स अमोनिया बनाने हैं, आपका विजन क्या है कि आपको 20 मोल अमोनिया लेके चलना है, बनाना है, कितने से, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, इसके मोल्स बताने आपको कितने चाहिए होंगे, इसके मोल्स कितने चाहिए ताकि 20 मोल बन सके, तो फिर ठीक है N2 की जरूरत ही नहीं है, सीधा कर दो, और कुछ पूछा गया नहीं सर, सीधा बस मोल्स पूछे गए, अगर 3 मोल लिए होते 3 से बनते 2 मोल, रिएक्शन क्या बोलते, 3 मोल लिए होते 2 अमोनिया बन जाता, उल्टा बोल ले सर, 2 अमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन कहती है 3 मोल H2 लेके आओ, रिएक्शन ये बोलती है कि 3 मोल H2 लिया होता तो 2 मोल अमोनिया बन जाते, मतलब 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल H2 लेके आ जाओ, तो मैंने कहा मुझे 20 मोल अमोनिया चाहिए, तो कहता 20 अमोनिया बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे, तुम्हें चाहिए होंगे 30 मोल H2, खत्म क्वेश्चन, डन, बड़ा आसान सवाल है, ऐसी आंसर आ गया था, फिर भी चलो ठीक है करके दिखा दिया। 16th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट दिस टेम्परेचर एंड 1 bar प्रेशर विल बी, इतना ग्राम मतलब इतना मास है वाटर का, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की जाएगी, सवाल है आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी बराबर nRT से आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम निकालनी है, प्रेशर दिया है मुझे, टेम्परेचर भी दिया है मुझे सर, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 bar है सर, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ml में आ लीटर में आ जाएगी, वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन मास कितना है 1.8, मोलर मास कितना है 18, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि लीटर बार में है लीटर एटीएम में है, तो आर की वैल्यू न्यूमेरिकल करने के लिए 1/12 पुट कर सकते हैं, व्हाट इज 1/12, 0.08, वही तो गिवन है 0.08, टेम्परेचर कितना हो जाएगा अपने पास 374 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लीजिए इसमें 647, इतनी गंदी वैल्यू की दी है भैया केल्विन, इतनी गंदी वैल्यू दे दी, बताओ आर की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे लीटर बार पर केल्विन पर मोल, सब कट जाएगा लीटर बचेगा बस, आई थिंक कैन डू इट, आई थिंक यू कैन प्रोसीड, ये आएगा 0.1 × 647 केल्विन अपॉन 12 राउंड अबाउट कितना आएगा 64.7 अपॉन 12 लीटर, प्रेशर तो 1 था हट गया वो,
बारह पंजे साठ, बारह पंजे साठ, पांच थोड़ा फालतू है, थोड़ा पांच से फालतू है, तो यहां भी फालतू कर देंगे, खत्म क्वेश्चन दिया जाएगा। 17th क्वेश्चन देखो ध्यान से आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सेम सवाल है, एक सवाल तो आपके लिए छोड़ दूं मैं, एक करके बता दो किसका कमेंट में आंसर, कम से कम एक तो आप कर दो यार। सेम सवाल कर चुके कई बार, जब भी करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कमेंट करके बताना कि सर 17th का आंसर ये आना चाहिए। हैव दैट कॉन्फिडेंस कि सर मैंने कर लिया, बिकॉज आपने तरीका सिखा चुके पहले भी, तो एक आपके लिए। अगला 18th बच्चा, वन मोल ऑफ कार्बन एटम वेस्ट 12 ग्राम, सब जानते हैं भैया एक कार्बन का मास 12 ग्राम होता है। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, भाई 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम हो जाएंगे? सर एक मोल के बराबर एटम हो जाएंगे, बिकॉज 12 ग्राम मतलब मोलर मास। खत्म क्वेश्चन, इतना सिंपल। हाँ बिकॉज हमने एक अच्छा क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न पहले। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय मास कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने? ये 78 ग्राम है परसेंटेज में, तो बचा हुआ 22 ग्राम हाइड्रोजन। ये मास दिया बच्चा, परसेंटेज बाय मास, तो 100 ग्राम मान लिया आपने, तो 100 ग्राम में से 78 ग्राम कार्बन है, रिमेनिंग 22 ग्राम वी हैव हाइड्रोजन एटम। आपसे पूछा राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा आसान सवाल है सर, सबसे पहला काम मोल्स निकाल लीजिएगा, 78/12 और यहां रेशियो क्या आ जाएगा? 22/2। सर ये तो सिंपल हो गया, 22/2 नहीं 1, सर हाइड्रोजन एटम है तो अपने पास 1 हो जाएगा सर, तो सर ये तो 22 रहेगा, ये कितना हो गया अपने पास? सर ये हो गया अपने पास 13/2 रेशियो 22। कुछ खास मजा नहीं आया सर, कुछ खास मजा नहीं आया, वैल्यू कट नहीं रही सर अपने पास, 78/80/22 ठीक है सर। कार्बन का 12 तो 2 39 और 39 अपने पास नीचे क्या आएगा बच्चा? अपने पास 6 आएगा, सो 3 2 3 13 सर, तो 13 रेशियो यहां से आ जाएगा अपने पास 44, 13 रेशियो अपने पास आ जाएगा 44। पूछा क्या मुझसे? एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे, डाटा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार मैं क्वेश्चन रेक्टिफाई कर लेता हूं, कहीं डाटा में कुछ चेंज तो नहीं है भैया, एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 19 था अपने पास है ये, नीट 2021 का पेपर है अपने पास ये। कार्बन ओके चलो, डाटा में तो कोई चेंज ऐसे आ नहीं रहा, बिकॉज यहां बाय मास गिवन है कार्बन रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों तो कार्बन 78 है, हाइड्रोजन 22 है, 78/12 कार्बन का आ जाएगा, 22/1 ये तो 22 ही बचेगा अपने पास, तो सॉल्व किया तो अब यहां थोड़ा सा अपना कहीं कुछ लूज कर रहे हैं डाटा में, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ इशू है, एक बार इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा मैं आपको अलग से वीडियो बना के, बिकॉज मुझे डाटा में कुछ गड़बड़ लग रही है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं बचा, सिंपल आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, तो 78% मतलब 78 ग्राम कार्बन हो जाएगा, रिमेनिंग अपने पास 22 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 22 नीचे 78/12 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पे आ जाइए आप, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस गेव कार्बन इतना परसेंटेज, एच इतना परसेंटेज बाय मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेम सवाल है अपने पास, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, बाकी कितने है? बाकी है ऑक्सीजन, तो कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। बच्चों कार्बन कितना है? 54.5 ग्राम के आसपास है, हाइड्रोजन 9.1 ग्राम के आसपास है, तो 54.5 और यहां से अपने पास 9 आ जाएगा, लगभग 63.5 के आसपास मान लीजिए, लगभग 36 के आसपास, 36% के आसपास, ग्राम के आसपास लगभग अपने पास ऑक्सीजन है। आपसे अगेन पूछे व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो सेम काम करना है बच्चा आपको, तीनों का मोल्स निकालिए, मास एज्यूम कर लिया आपने, मोल्स निकाल लीजिए, थोड़ा बस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है। लगभग 54 मान के चल सकते हैं आप, 12 9/1 36/16 देखो ध्यान से आप, अब तो ये सवाल हो गया आपसे, तीनों को मोल्स आ चुके हैं, कितना आएगा ये पहले वाला कॉलम कुछ कट रहा है अपने पास सर, 9 से काट लीजिए
ठीक है, तो 6 12 वन बाय टू, रेशियो 1 रेशियो 4 4 1/4, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 2 रेशियो 4 रेशियो 1 आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। इससे सिंपल हो सकता है? नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए मुझे। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट मोल रेशियो। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, C2H4O1, ऑप्शन सी आएगा। इससे पहला सवाल भी एम्पिरिकल फॉर्मूला का था, वहां शायद डाटा में कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज कुछ सवाल में दम ही नहीं यार। देखो ये भी सवाल थे में 21, देख यार ध्यान से। If 1 ml of water contains 20 drops, then number of molecules in a drop of water is, 1 ml बच्चों अपने पास गिवन है कि 1 ml आपके पास वाटर है, उसमें 20 ड्रॉप है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज, 1 ml में वाटर में 20 ड्रॉप्स हैं, मैंने 1 ml लिया पानी का, उसमें 20 ड्रॉप्स, 20 बूंदे आएंगी पानी के 1 ml के अंदर। सो वो कह रहे हैं कि एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सवाल अच्छे से पढ़ो बच्चा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तू कहां गया भैया पेन, तू पहले गिर ले। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में, एक बूंद में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चलो एक काम कर लेते हैं ना, 1 ml में कितने मॉलिक्यूल्स वो निकाल लेते हैं, 1 ml में कितने वो निकाल लेते हैं, 20 से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। 1 ml पानी का मतलब 1 ग्राम, डेंसिटी 1 होती है, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास में मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इनटू कर दो एवोगाड्रो, Na/18, इतने मॉलिक्यूल्स पानी के हैं 1 ml या 1 ग्राम पानी में, मोल्स निकाल लिए इनटू Na कर देंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है भैया, मुझसे पूछा कि एक ड्रॉप में कितना आएगा, मैंने कहा 20 ड्रॉप में 1 ml है, मतलब 20 ड्रॉप में मैंने निकाल लिया कि 20 ड्रॉप में 1 ml के अंदर मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, तो 20 ड्रॉप में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो भाई साहब 20 मगर इतने हैं तो एक ड्रॉप में कितने हो जाएंगे। अब तो आप कर ही लोगे भैया, अब तो हो ही गया सवाल, अब क्या बचा, Na नीचे क्या आएगा, 18 × 20, Na की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 36 60। ठीक है सर, 6 6 1/6 के आसपास, 10 की पावर 22, 1/6 कितना होगा सर, 1/6 कितना होगा सर, लगभग 16, 1.6 के आसपास, 0.16 के आसपास, 0.16 के आसपास, ऑप्शन बी। सवाल मुश्किल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बेहतरीन सवाल है, मुश्किल नहीं बेहतरीन सवाल बोलते हैं इसको। 21st question, अ सैंपल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन्स 1.4 मोल ऑफ सब्सटेंस, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द सैंपल। बच्चों आपसे पूछा है कि सैंपल में कितने आइटम्स होंगे, एक आपके पास गिवन बेटा PCl3, अ सैंपल ऑफ PCl3 कंटेन्स 1.4 मोल ऑफ द सब्सटेंस, बेटा इसका 1.4 मोल दिया हुआ है, 1.4 मोल आपको PCl3 दिया हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द सैंपल, कितने एटम्स होंगे। मैंने कहा भाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, व्हाट इज एटॉमिसिटी, 3 और 1 4, सर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो इतने मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, खत्म क्वेश्चन। इतने मोल में इतने मोल एटम्स हो जाएंगे, पूछा क्या, हाउ मेनी एटम्स पूछे हैं, तो इतने मोल एटम हो जाएंगे, और इतने मोल एटम को आप मोल को नंबर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मोल को नंबर में ही कन्वर्ट कर दीजिएगा, बिकॉज नंबर पूछा गया आपसे, हाउ मेनी नंबर पूछा गया, एटम्स पूछे गए, तो मोल को भी आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये आंसर आएगा 10 की पावर 23, तो ये तो नहीं है सर। अब 5.6 N3, तो 5 6 30 आएगा लगभग, 10 की पावर 23, और जब 30 आएगा तो एक डेसिमल कम करेंगे, 3.0 करेंगे, 10 की पावर 24 हो जाएगा सर। बस एग्जाम में जल्दबाजी करोगे, ऑप्शन बी मार के बाहर आ जाओगे। 5.6 मोल आए हैं, कितने मोल एटम्स हैं, 5.6 मोल एटम्स हैं, तो नंबर में कितना हो जाएगा, 5.6 × Na, तो ये आपका आंसर आएगा, क्लियर है।
23rd क्वेश्चन बच्चा, इन वन मोलल व्हाट इज मोलैलिटी? वन मोल पर केजी. मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सल्यूट देयर इज. बेटा बोलता है कि इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ द सल्यूट देयर इज. अगर सल्यूट की मात्रा बेटा कितनी है? 0.5 मोल है, तो कितना सॉल्वेंट रहेगा आपसे? तो मैंने कहा मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. कितनी मोलैलिटी है सर? मोलैलिटी 1 है. और कितने मोल्स है? 0.5 मोल्स है सर. तो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम? इट इज नथिंग बट 0.5 किलोग्राम. एंड व्हाट इज 0.5 किलोग्राम? इट इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 100 ml, 1000 ग्राम, 500 ml. चूंकि केजी में होते तो 500 ग्राम हो जाएगा बच्चा. जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन को चेक करना है. किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है तो 0.5 किलोग्राम इस 500 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, 24th क्वेश्चन. ये सवाल 2022 का सवाल है. गुड. व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन? बच्चों अगेन परसेंटेज प्योरिटी का सवाल है, जो हमने किया था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले केस में. तो कुछ डाटा दिया मुझे 50 ml, ये 50 ml दिया है 0.5 मोलर. यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5 5 25. कितना आएंगे? 25 मिलीमोल्स आ जाएंगे. 25 मिलीमोल्स आ जाएंगे. वॉल्यूम ml में तो मिलीमोल्स आते हैं, तो 50 और 5 कितना आ जाएंगे? 25 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा. तो अब बोलता है भाई कि ये 95% प्योरिटी इसकी, और ठीक है देख लेंगे उसका मतलब. व्हाट मास ऑफ दिस? इसका मास बताओ कितना चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 मोल को. तो मैंने कहा रिएक्शन को चलाते हैं. स्टोइकोमेट्री क्या बोलती है? अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल के लिए इसके आपको 2 मोल चाहिए होंगे. रिएक्शन क्या बोलते हैं? इसके 1 मोल के लिए आपको इसके 2 मोल चाहिए होंगे. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. या उल्टा कर लेते हैं कि 2 मोल HCl अगर लिए जाएंगे तो आपका 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा. अगर 2 की जगह मैं ले लूंगा 25 मिलीमोल, बिकॉज आप या 2 मिलीमोल बोलो, 2 मिलीमोल या 2 मोल कुछ बोलो बेटा, आप वो तो लैंग्वेज है, 2 मिलीमोल कैसे भी बोल लीजिए उसको आप. तो अगर 2 लिए जाएंगे तो 1 चाहिए होगा, तो 25 लिए जाएंगे तो कितना चाहिए होगा? 2 का आधा कर दो, 25 का भी आधा कर दो, 12.5 मिलीमोल्स कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए होगा. 25 मिलीमोल को हटाने के लिए भाई, 2 को हटाने के लिए 1 चाहिए, तो 25 को हटाने के लिए 12.5 चाहिए. तो 25 मिलीमोल घटाने के लिए 12.5 मिलीमोल, यानी कि मोल्स कितने आ जाएंगे? 12.5 मिलीमोल, मतलब इतने मोल्स. मिली को मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया. इतने मोल्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट के लगेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए. इस मोल को मास में कन्वर्ट कर लीजिएगा. कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 1 मोल का? 100 ग्राम. तो 25.5 10^-3 100 कर देंगे, यह आ जाएगा ग्राम के अंदर. 12.5 × 10^-1 ग्राम, दैट इज 1.25 ग्राम. तो व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड? 1.25 ग्राम. जल्दबाजी नहीं करनी है, आप ऑप्शन ये वाला नहीं मार दोगे. जल्दबाजी करोगे तो आप ऑप्शन डी में पहुंच जाओगे. लेकिन इसमें एक बात ऐड कर दी गई है, 95% प्योर है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, वो प्योर 100% नहीं है, 95% प्योर है. तो सर परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालती आपने? याद करो, 17 ऊपर था, 20 नीचे था, यानी नीचे बेटा टोटल मास आएगा और यहां आएगा प्योर मास. बिकॉज प्योर मास ही है जो न्यूट्रलाइज करेगा, टोटल मास थोड़ा ना करेगा बेटा. तो परसेंटेज कितना है? 95% मतलब 0.95. कितना मास प्योर है? सर प्योर मास आपके पास आएगा 1.25 ग्राम, बिकॉज 25 मिलीमोल हटाने के लिए प्योर आपको 1.25 चाहिए होगा. 1.25 तो टोटल मास कितना आ जाएगा वो निकाल लेंगे सर. 1.25 / 0.95. सवाल समझे? वो कह रहा है कि 95% प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों. तो व्हाट मास ऑफ दिस, यानी कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा कितना मास चाहिए होगा जो कि खुद 95% प्योर है? तो आपको 95% प्योर का मास नहीं पूछा, 95% प्योर का मास तो वैसे ही आ गया 1.25, बट ओवरऑल मास पूछा गया आपसे कि ओवरऑल मास क्या हो जाएगा अपने पास जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 95% प्योरिटी रखता है. तो
तो मैंने कहा इतना आ जाएगा ये लगभग कुछ 1.25 डिवाइड बाय 0.95 जो कि 1.5 से हल्का सा, जो कि 1.25। तो बड़े ध्यान से, ये 1 से कम है, अगर ये 1 से कम है तो ये वैल्यू 1.25 से हल्के से बड़ी हो जाएगी, तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। तो सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, अच्छा सवाल पूछ लिया बच्चों आपसे। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है कि आपसे टोटल मास पूछ लिया कि टोटल मास क्या लिया जाएगा आपके पास। प्योर मास तो आपने निकाल ही लिया कि प्योर मास तो आ गया भैया अपने पास, प्योर मास तो वैसे भी आ जाता अगर यहां नहीं दिया होता 95%। ये नहीं दिया होता, मान लो अगर ये नहीं दिया होता तब भी कितना आंसर आता, ये आता। तो वो क्यों दिया है कि टोटल सैंपल में से 95% ये है, तो मुझे पूरे सैंपल का ही मास चाहिए, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फालतू चीज है तो फालतू चीज मिला के मुझे मास चाहिए, दैट इज 1.32। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 बच्चों, इतना लीटर्स O2 गैस गिवन STP पे, इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है वाटर के, इतना ग्राम आपसे पूछा है किसके लिए कितने मोल्स होंगे अपने पास, तो आपको बस मैच करवाना है। तो एक काम करते हैं, सबके अंदर मोल्स या मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, फिर मैचिंग हो जाएगी। 4.48 लीटर्स, तो 4.48 डिवाइड बाय 22.4 या आ जाएगा सर 0.2 मोल O2 गैस। तो सर इसका आंसर ये हो जाएगा, रुको देखते हैं ना, वो मोल्स किसी के भी वो मोल्स आ सकते हैं ना, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स कितने आ जाएंगे, डिवाइड बाय एन ए कर देंगे तो सर ये आ जाएगा अपने पास 12 डिवाइड बाय कर देंगे 6.02 10 की पावर 23। यहाँ 2 बचेगा सर और यहाँ 10 की पावर 23 मतलब 0.2, यहाँ भी सर 0.2 आएगा, यहाँ ही 0.2 मोल आ गए। अब बताओ ये पानी के मोल है, वो O2 के मोल थे। 96 ग्राम O2 में मोल्स निकालिए, 3 मोल आ जाएंगे सर, 96 बाय 32, 88 ग्राम में 2 मोल आ जाएंगे सर। यस, 3 मोल O2 गैस, 2 मोल CO2। अब मुझे बताओ 2 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 2 मोल CO2 में 2 into Na के बराबर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि 12.0 10 की पावर 22 23 आ रहा है सर। देखो 3 मोल में तो इतने मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स सिर्फ 2 मोल में होंगे, ऊपर कहीं भी 2 मोल नहीं आ रहा। तो ये बात क्लियर है कि ऑप्शन डी के लिए ऑप्शन सेकंड मैचिंग है, डी के लिए आप सेकंड मैच करेंगे। 3 मोल में क्या निकालना है बताओ सर, 3 मोल O2 गैस है, तो 3 मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी सर, बिकॉज 3 मोल O2 गैस का मास तो ज्यादा होगा और 3 मोल का 0.2 मोल तो है नहीं, 3 मोल O2 गैस की वॉल्यूम पक्का ही हो जाएगी सर। तो ऑप्शन सी का 4 मैच हो जाएगा, सी का फोर, ओहो फंसा दिया। 0.2 मोल, अब ये 0.2 मोल वाटर है, तो मुझे बताओ 0.2 मोल वाटर है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 18 × 0.2 = 36, 3.6 नहीं काम नहीं हुआ सर। 0.2 मोल O2 है, इसका मास कितना हो जाएगा सर, 0.2 × 32 = 64, हाँ 6.4 ग्राम, किसके लिए आएगा, ये आएगा ऑप्शन ए का, किसके लिए, ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 यहाँ से आंसर आ गया। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपको सबको मोल्स निकालने हैं, फिर चेक करना है कि किसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 2.15 ग्राम पर एमएल, द मास ऑफ 2.5 ml ऑफ सोल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बढ़िया सवाल है, तो डेंसिटी बेटा गिवन आपको और आपसे मास पूछा है 2.5 ml का, तो भाई डेंसिटी तो सर मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम बाय डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी है 2.5 ml है सर, डेंसिटी कितनी है 2.15 ग्राम पर ml अपने पास, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मुझसे क्या पूछा, अच्छा मास पूछा है मुझसे, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, वॉल्यूम निकाल दी क्या, अच्छा मास पूछा है, सीधा कर दो यार, मास में कहां दिमाग लगा रहा हूं मैं, डेंसिटी क्या दी है 2.15 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दी है ना मुझे, तो बस खत्म क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है सर, कुछ तो करना होगा सर, नहीं कुछ नहीं करना है, 2.15 × 2.5 निकाल लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पूछा है इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, आपको सिग्निफिकेंट फिगर को लेके चलना है बच्चा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर को मेंटेन करके चलना है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर भी आपसे पूछ ले साथ में कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या रहेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको आप, तो आपकी आने वाले आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, आपके आने वाले आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, यही सवाल है इसका कंटेक्स्ट, बस यही सवाल पूछ रहा आपसे। आप बिना मल्टीप्लाई किए भी आंसर पहचान लोगे अगर आपको सिग्निफिकेंट का मतलब पता है तो, कि जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर क्या सिग्निफिकेंट मिनिमम होना चाहिए, दो को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब रूल्स है बच्चा, ये है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, अच्छे से पढ़ने चाहिए आपको, इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा,
बस पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर दो हैं, सॉरी तीन हैं, और यहां दो हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर यहां तीन तीन हैं या दो हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बनने वाले प्रोजेक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे फटाफट से। कुछ तो करो भैया, बड़ा मजेदार सवाल है यार। ये सवाल मैं क्लास में करवाता भी नहीं हूं, बस बोलता हूं कि बस पहचान लो सवाल को, देखो जैसे सिग्निफिकेंट पढ़ाता हूं, सिग्निफिकेंट पढ़ाने के साथ में ये सवाल बन जाएगा बच्चे से। रूल्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, डिविजन के, कि सिग्निफिकेंट कैसे पहचाना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप बताएगा मुझे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन से कर लीजिएगा आप चाहो तो, या लॉजिक से कर लीजिएगा, ठीक है। 27 बच्चों, ठीक है बच्चों, 27। द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। देखो अगेन परसेंटेज प्योरिटी बेटा, अगेन सवाल परसेंटेज प्योरिटी से। 20% प्योर लाइमस्टोन एज पर द गिवन। तो बेटा आपके पास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां से आपको हीट करके मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। 20 ग्राम ये गिवन है, लेकिन 20 ग्राम में प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कूड़ा भी है। प्योर तो सिर्फ 20% है, तो 20 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। बस सवाल खत्म, 4 ग्राम याद रखो, 20 ग्राम भूल जाओ, वही नहीं, कूड़ा है उसमें तो, 16 ग्राम कूड़ा है, बस 4 ग्राम काम का है। पूछे कितना मास बनेगा, तो मैं कहूंगा खत्म क्वेश्चन। एक मोल लिया होता तो एक मोल CO2 बन जाती, एक मोल मतलब 100 ग्राम, इसका 44 ग्राम, यानी कि अगर 100 ग्राम लेते तो 44 ग्राम CO2 तड़ाक मिल जाता, पर मेरे पास 4 ही ग्राम है सर, तो मुझे मिलेगा 44 × 4/100। कुछ कर रहे हैं सर, आप सॉल्व करो तो क्या कर सकते हो यार। वन पॉइंट समथिंग आना चाहिए, अरे सर सब में 1 point something ही है। ओहो सॉल्व कर ले, फिर कर ले सॉल्व। पच्चीस अठे, 8 से कम हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1.76। तो मैंने आपको दिखा दिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि तीन सवाल सेम चैप्टर से आए बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी, बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी, क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। एक सवाल इसमें, हाँ लास्ट सवाल आई थिंक ये, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बच्चा, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल, टू नहीं थ्री होता है सर, गलत हो जाएगा। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हाँ ये तो बात सही है सर। ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टीज, अच्छा। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियोन्स, नहीं बेटा न्यूक्लियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये भी गलत है सर। आपसे पूछा सही बताना आपको, तो सर ए भी गलत है आपने कहा, डी भी गलत है, तो हमारे आंसर में ए और डी आना चाहिए सर, हमारे आंसर में ए नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए सर, ए नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए सर, हमारे आंसर में ए और डी नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो दोनों गलत है, बाकी नहीं पता सर, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां से काफी हेल्प मिली होगी। द डेंसिटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स इज दिस मच, डेंसिटी दिया बेटा आपको 1.25 ग्राम पर एमएल। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज, आपसे मोलैलिटी के बारे में जानकारी पूछिए। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो वन मोलर आपको मोलैलिटी भी दी है बच्चा, मोलैलिटी क्या है, वन मोलर है, इसका मतलब वन मोल सब्सटेंस है कितमें, 1000 ml सॉल्वेंट सॉल्यूशन में। व्हाट इज वन मोलर, एक मोल है सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, एक अमाउंट कितना, एक मोल है 1000 मतलब 1 liter सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन 1000 ml का है, तो इसकी डेंसिटी भी दी है मुझे 1.25 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल लीजिए आप। सर यह आ जाएगा अपने पास 1250 ग्राम, 1250 ग्राम अपने पास सॉल्यूशन का मास है, मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स तो एक मोल है सर, मोलैलिटी से आ गया वो। तो आप क्या गिवन है सर, अपने पास गिवन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एक्स इज, ये बेटा सॉल्यूशन का मास है जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट एक मोल है तो उसका मास कितना है, 85 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना है, एक्स ग्राम, जो मुझे चाहिए होगा। तो 1250 में से 85 माइनस कर दो, ये आपका आंसर है, 1250 टोटल मास माइनस 85 इंटू ऊपर आ जाएगा 1000, 1000 क्यों आएगा, बिकॉज ये ग्राम में आ चुका है अभी, तो ये आपका आंसर है इस सवाल का, 1000 / 1100 कितना आएगा, ये नीचे 1250 माइनस 100 तो 1100
65 के आसपास आ जाएगा अपने पास। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन था आज के सवाल का। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी तो आपके पास आंसर ऑप्शन डी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे सवाल बच्चा बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एटलीस्ट करने होंगे। 15 साल की पीवाई के मैंने कवर किए हैं, तो 15 साल की पीवाई के सफिशिएंट होते हैं, उससे बहुत पहले के करने का फायदा नहीं है, और बाकी तो आपके सामने जाएंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके ढेरों पीवाई के आ रखे हैं तो उनको भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज बेनिफिशियल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।